नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव यूपी न्यूज, नजर हर खबर पर। बनारस के बताते मेनिया बाग ग्रह पे खड़े हुए हैं और अब तो हम ये बताना चाहते हैं कि अनलॉक वन के बाद जो पांचवा जो आदेश जारी हुआ है, गाइडलाइन जारी हुई है, उसको लेकर प्रशासन भी काफी मुस्तैद दिखाई दे रही है। आप देख सकते हैं हमारे सहयोगी आपको दिखा देंगे, थाना चौक और टेहरी चौकी के जवाब पुलिस और सिपाही लगातार यहाँ पे अपने तरफ से खड़े हुए हैं और समय का 5 बजे का इंतजार कर रहे हैं कि 5 बजते ही यहाँ पर दुकानें बंद हो जाएंगी। जिलाधिकारी का जो नया गाइडलाइन आदेश आया है उसका पालन करते हुए, पुलिस कर्तव्य करते हुए हमारे सहयोगी आपको दिखा रहे होंगे बेवजह घूमना और हेलमेट बिना लगाए किस तरीके से दिन दहाड़े कोरोना जैसी महामारी में घूम रहे हैं, मगर पुलिस सतर्क है, रोक कर समझा भी रही है, जो नहीं मान रहे हैं उनकी चलाने भी कट रही है। तो आपको यही दिखाना चाहते हैं अपने सहयोगी के कैमरे के माध्यम से, चैनल के माध्यम से, कि जिस तरीके से नए आदेश, जिलाधिकारी के नए आदेश का पालन पुलिस भी कर रही है तो जनता को भी करना चाहिए, मगर जो यहाँ पर इस समय स्टॉपिंग चार्ज जो मौजूद है, हम उनसे जानना चाहेंगे कि अनलॉक वन के बाद जो समय 5 बजे का है उसको लेकर क्या है। सर, सबसे पहले आपका परिचय नाम लेंगे। जी बिल्कुल सर, अगर बात की जाए जिलाधिकारी का नया गाइडलाइन और नया फरमान आदेश हुआ है कि 5 बजे तक आज दुकानें बंद हो जाएंगी, उसको लेकर कितनी कार्रवाई आपको? आज लगभग सभी दुकानदारों के हिसाब से अवगत करा दिया गया है कि हम अपना सभी काम निपटा के 5 बजे तक दुकानें बंद करें। जो बिना वजह गाड़ियों से हेलमेट लगाए घूम रहे हैं उनको पर कैसी कार्रवाई करोगे? कार्रवाई जो घूम रहा है उनके कोई काम नहीं है, कार्रवाई की जा रही है। जी बिल्कुल, जैसे कि पेरी चौकी इंचार्ज खान जी ने बताया कि जिस तरीके से जिलाधिकारी का आदेश आया है तो हम लोग एक्टिव हैं, मगर जनता एक्टिव नहीं है। जो एक्टिव नहीं है उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई। हमारे पुलिस के जवान सहयोगी हमारे कैमरे के माध्यम से दिखा रहे हैं, चौराहे पर खड़े हुए हैं और लगातार चालान की किताबें लेकर खड़े हैं कि बाइक के दो पहिए वाहनों पे बेवजह घूमने वाले पर सख्ती दिखाई दे रही है। और वहीं अगर बात की जाए तो आप देख सकते हैं कि हमारे पुलिस के जवान यहाँ पर लगे हुए हैं, जो कि चौराहे पे रश हो रही है। मतलब कि बता दें आपको, ये बनारस का बहुत ही रश एरिया है और साहब खड़े इसी में जाना चाहेंगे। चरण प्रणाम। शुक्ला जी, अगर बात की जाए जो नया फरमान जारी हुआ है उसको लेकर कितना एक्टिव आप लोग हैं? फरमान जिलाधिकारी महोदय श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय के दिशा निर्देशों का पालन कराने हैं। आज जो हुआ है कि 5 बजे बंद होना है सभी दुकान, इस क्रम में 5 बजे सभी को बताया जा रहा है माइक द्वारा, अनाउंस द्वारा। सर, जनता को क्या लगता है, जनता कोऑपरेट कर रही है? कल त्यौहार भी है, त्यौहार को लेकर बात की जाए तो क्या कल त्यौहारों में जनता जो निकलेगी उनके ऊपर भी कार्रवाई होगी? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। जो भी जैसे है घरेलू सामान, दूध है, दवा है, और त्यौहार को दो फेस्टिवल एक साथ पड़ गया, रक्षाबंधन वगैरह ही, रक्षाबंधन के लिए जिलाधिकारी ने आदेश दिया भी है, उसका लॉकडाउन का पालन कराया जाएगा, लेकिन जो व्यवस्थाएं उसको पूरा दी जाएगी। जी बहुत धन्यवाद। जैसे कि इन्होंने बताया कि इस तरीके से जनता कोऑपरेट कर रही है और पूरा कोऑपरेट करने को जनता तैयार है और बेवजह निकलने वालों पर हम कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेंगे जिलाधिकारी के आदेश पर। वीडियो पर्सन कुर्सी के साथ लाइव यूपी के लिए जुनेश।